हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितांक। MHT CET 2024 की जर्नी शुरू हो गई है सर। यस, और बहुत एक्साइटमेंट, बहुत एनर्जी के साथ। और पहली फुल सिलेबस टेस्ट भी आ गई सर। फुल सिलेबस टेस्ट, पढ़ाई तो हुई नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा? अरे जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी, पता करना पड़ेगा कितनी पढ़ाई हुई है और कितना नहीं। तो पहला फ्री मॉक टेस्ट गणितांक ऐप पर आ गया है आपके लिए बच्चों। यस सर, एक्साइटेड। अच्छा, डिटेल्स क्या होगी टेस्ट की, कहाँ देंगे, कैसे देंगे, सब मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में, पूरा अच्छे से देखना और समझना। तो बच्चों, सबसे पहले ये टेस्ट कब है? तो टेस्ट 10th और 17th मार्च दोनों दिन फ्री टेस्ट है। टेस्ट 1 रहेगा 10th मार्च को, और टेस्ट 2, दो टेस्ट मैंने आपके लिए फ्री रखी है। फुल सिलेबस टेस्ट है ये, ठीक है, जो सबके लिए अवेलेबल रहेगी गणितांक ऐप पर। अच्छा सर, टाइमिंग क्या होगा, कब से कब दे पाएंगे? सुबह से लेके रात तक आप कभी भी दे सकते हैं, आपको अपने हिसाब से स्केड्यूल करना है। लेकिन पहले ही सोच के रखो कि मैं शाम को 5 से 8 दूंगा। आपको बताना 3 आवर्स का टेस्ट होता है, सब बताने वाला हूँ। लेकिन आप ऐप पर जाके या वेबसाइट पर सुबह 7 से लेकर रात के 11 बजे तक कभी भी दे सकते हो। 11 बजे तक, मतलब 11 बजे स्टार्ट नहीं करना है, 11 बजे तक सबमिट हो जाना चाहिए, ठीक है बच्चों? मतलब आखिरी स्टार्ट आप 8 बजे कर सकते हो, 3 घंटे का टेस्ट होगा ना। यस सर। अच्छा, इसका रिजल्ट कहाँ मिलेगा सर? उसी ऐप पर मिल जाएगा अगले दिन, है ना। यस, आप टेस्ट देंगे संडे को, ये दोनों ही संडे है, आप मंडे को आपको उसका एनालिसिस मिल जाएगा, कितना मार्क मिला, कितने लोगों ने दिया, आपका रैंक क्या आएगा, बहुत अच्छा एनालिसिस आपको मिलेगा, ठीक है। और उसी टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस भी अगले दिन मंडे को आपको मिल जाएंगे, है ना बच्चों? मंडे को दोपहर तक, शाम तक हम टेस्ट के पूरे पूरे वीडियो सॉल्यूशंस डाल देंगे। यस सर। हाँ बच्चों, इतना ही नहीं, आप ये टेस्ट को मोबाइल पे भी अटेम्प्ट कर सकते हो, और कुछ बच्चे अपने डेस्कटॉप पे अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वो वेबसाइट के थ्रू डेस्कटॉप पर भी कर सकते हैं। सर, टेस्ट का फॉर्मेट क्या होगा? MHT CET का फॉर्मेट होगा, जैसे मैंने बताया, पूरा सिलेबस होगा। सर, हमारी पढ़ाई तो हुई नहीं है, अरे क्लास 12th का बोर्ड तो देकर आए ना हम, और जो ड्रॉपर है हमने ऑलरेडी एक बार करा हुआ, तो देखते तो है उसके बेसिस पे हमें कितना मिलता है, क्या होता है, क्या कमियां है, कैसे होती है टेस्ट, पूरा वैसा ही जैसे MHT CET एग्जाम होती है ना, उसी तरह का इंटरफेस होने वाला है, एग्जैक्टली वैसे ही दिखने वाला है, ठीक है। तो आपको पता है पेपर 1 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होता है, तो यहाँ पर भी पेपर 1 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मिलेगा, ठीक है। पेपर 2 मैथमेटिक्स, एक साथ नहीं होता सारा, पेपर 1 पेपर 2 होता है, राइट, ऐसे होता है। आपको इससे पूरा अंदाजा मिलने वाला है कि टेस्ट कैसे दिखती है, क्या होता है ना, पूरा अंदाजा MHT CET का फटाफट हमें ले लेना है, इसी टेस्ट में ले लेना है। फिर इसके बाद में आपको बताया हर पेपर 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटे का होता है। पेपर 1 को अलग से 1.5 घंटा मिलता है, मैथ्स को अलग से 1.5 घंटा मिलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 90 मिनट्स होते हैं बच्चों। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चंस कितने होते हैं, मिला के 100 क्वेश्चंस, 1 मार्क का ईच क्वेश्चन, मतलब 100 मार्क्स का पेपर होता है पेपर 1। और मैथमेटिक्स जो पेपर 2 है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, और हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो जैसे CET पैटर्न है वैसा ही होने वाला है बच्चों, टोटल 200 मार्क का ये टेस्ट होने वाला है। मजा आएगा सर, एक्साइटमेंट भरपूर रखिए, बोलिए हू हा, एक्साइटमेंट है। अभी के अभी वीडियो के नीचे कमेंट करिए, सर एक्साइटेड हूँ पहली टेस्ट देने के लिए, है ना। सर, डरा हुआ हूँ लेकिन देने वाला हूँ पक्का, आप बताएगा मुझको। सर, कैसे अटेम्प्ट करते हैं टेस्ट, एंड्रॉयड यूजर्स कैसे करते हैं टेस्ट को अटेम्प्ट, देखिए। तो बच्चों, टेस्ट को अटेम्प्ट करने का तरीका है ये, है ना, कि आप ऐप ओपन करेंगे, आप अगर आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हो, ऐप ओपन करके आप अगर आप साइनअप कर चुके हो, लॉगिन कर चुके हो, तो डायरेक्ट कोर्स में जाके कर सकते हो। कौन सा कोर्स? बीटा 3.0। बीटा 3.0 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 3 है सर, कहाँ दूंगा, क्या करूंगा। और जिनको साइनअप नहीं हुआ है वो साइनअप करेंगे, या जिनको लॉगिन बचा है वो लॉगिन करेंगे, अपने क्रेडेंशियल्स डालेंगे, है ना, लॉगिन विद गूगल जो भी है, ईमेल आईडी, फोन जो भी मांगेगा आप देंगे। चलिए, एक बार साइनअप लॉगिन हो गया या आप ऑलरेडी लॉग इन थे, तो फिर उसके बाद में आपको बीटा 3.0 में आना है, राइट। अगर ये कोर्स लिया नहीं है आपने तो आप ये कोर्स ले लीजिए, और जैसे आप कोर्स लेते हो तो आप लाइब्रेरी में इस कोर्स को देख सकते हो। जो पहले से ले चुके हैं वो डायरेक्ट लाइब्रेरी में जाएंगे, इस कोर्स को देखेंगे, और कोर्स में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दिखता है, तो फिजिक्स में रखा है मैंने टेस्ट, फ्री टेस्ट जो है वो फिजिक्स में है, जानबूझ के फिजिक्स में रखा है ताकि आपको फिजिक्स के बारे में पता चल जाए। और फिजिक्स के सारे सेशन भी मैंने रखे हैं, रिकॉर्डिंग्स भी आप देख सकते हो, नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो, जो जो फिजिक्स के सेशन हुए हैं, ओके। और नीचे फ्री मॉक टेस्ट है, अभी नहीं दे पाओगे आप क्योंकि यहाँ बोला गया है कि कब है ये, लेकिन आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको, है ना, जिस तारीख, मतलब 10th को ये टेस्ट ओपन दिखेगा, यहाँ से आप पॉपअप होगा और आप स्टार्ट करके टेस्ट को यहाँ दे पाओगे, और होने के बाद आपको सबमिट करना है, मतलब टेस्ट सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका होने वाला है ऐप पर बच्चों, ठीक है।
बहुत बहुत क्लियर है, कहा होगा फिजिक्स के अंदर है सर। बीटा 3.0 में 3 सब्जेक्ट्स है, उसमें फिजिक्स के अंदर है बच्चों, ठीक है। फिजिक्स के अंदर नीचे फ्री मॉक टेस्ट और यहां जाके आपको क्लिक करना है। ओके बच्चों, सर सर मैं iOS यूजर हूं, आपका ऐप तो मुझे एप्पल पे दिख ही नहीं रहा, नहीं है। ओके, तो आप लोगों को वेबसाइट पे जाना होगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर मुझे डेस्कटॉप पे करना है, मैं कैसे करूं? वेबसाइट के थ्रू जाना पड़ेगा, सफारी, क्रोम, जो भी आपके पास है। और जो बच्चे कह रहे सर मैंने अल्फा 3.0 लिया मेरा, तो आप अल्फा 3.0 के थ्रू जा सकते हैं। जो फ्री वाले हैं वो फ्री वाले बैच से जा सकते हैं, क्योंकि दो टेस्ट फ्री है, सबको हर जगह दिखेगी ये टेस्ट, ठीक है। तो कैसे करते हैं सर वेबसाइट में? तो वेबसाइट अपनी क्या है, गणितंग.com, वहां जाएंगे। फिर उसके बाद में आप देखेंगे, है ना सर, तो यहाँ पे क्या करना है, तो जैसे आप गणितंग.com पे गए, उसके बाद आप कोर्सेज पे जाइए। ओके, कोर्सेज में आपको सारे कोर्सेज दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको बीटा 3.0 अगर आपने लिया नहीं है तो ले लेना है, गेट फॉर फ्री है। तो आप यहाँ पे भी अपना डिटेल्स डालेंगे और डिटेल्स डाल के, है ना, ले लेंगे वो कोर्स, फ्री है भाई, ले लो। तो मोबाइल, ईमेल जो भी मांगेगा आप दे देना, ओके, और रजिस्टर कर लेना। और फिर उसके बाद में ये कोर्स है, ये कोर्स आपने ले लिया, अब आप इस स्क्रीन पे आ जाओगे। एक्टिव कोर्सेज में आपको आपके कोर्स दिखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों दिखेगा। यहाँ पे आपको मेरे सारे सेशंस जो जो हो रहे हैं अपने पूरे होंगे, सारे होंगे, वो सब दिख जाएंगे फिजिक्स के अंदर। और फिजिक्स के अंदर आपको सब चीज़ें दिखेगी, डे वाइज शेड्यूल भी है, वेटेज भी है, मेरे जो अभी तक सेशंस हुए वो सेशंस भी देख सकते हो फिजिक्स के, रिकॉर्डेड PDF नोट, सारा सारा अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। और फ्री मॉक टेस्ट कहाँ है सर? नीचे, अभी नहीं देख पाओगे ना, फ्री मॉक टेस्ट इस दिन को 10 को है, सुबह 5 बजे चालू। तो यहाँ यहाँ पे आपको एक स्क्रीन आएगा, स्टार्ट बटन क्लिक करोगे, क्विज अटेम्प्ट करना चालू करोगे। पेपर 1 पेपर 2 है बच्चों, पेपर 1 पेपर 2। पहले आपको फिजिक्स केमिस्ट्री देना होगा 90 मिनट्स, और फिर मैथ्स देना होगा 90 मिनट्स। ऐसे करके आपको पूरा टेस्ट कंप्लीट करना होगा, जब खत्म होती है टेस्ट तो सबमिट करना है। ओके, तो ऐसी बात है सर। और जो बच्चे टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, अगेन गणितंग.com पे जाएंगे, ओके, और फिर कोर्सेज में जाएंगे, ओके, और कोर्सेज में चले जाइए, और यहाँ पे अल्फा 3.0, PCM या मैथ्स, दो ऑप्शन दिए मैंने, वो टेस्ट सीरीज आप लेंगे। ओके, आपने एक बार टेस्ट सीरीज ले ली, परचेस करना होगा, 699 ओनली आप परचेस करेंगे, वहां पे भी आप ये फ्री टेस्ट भी दे पाओगे और आगे की सारी टेस्ट दे पाओगे। पूरा शेड्यूल शेयर किया है मैंने 30 टेस्ट का, अब बहुत ज्यादा मस्त रहेगी ये टेस्ट, बहुत अच्छी रहेगी, आप ये ले सकते हैं, है ना। यस सर, तो ओनली फॉर 699 बच्चों, ज्यादा नहीं है, है ना, बहुत कम प्राइसिंग में, विद वीडियो सॉल्यूशंस, है ना, विद रिजल्ट्स एंड एनालिसिस, और एकदम MHTCT वाले फॉर्मेट में। और आप टेस्ट को ऐप पर भी दे सकते हो और वेबसाइट या डेस्कटॉप पर भी दे सकते हो। तो आई एम श्योर आप क्लियर हो कैसे टेस्ट देना है, क्या क्या होने वाला है टेस्ट में, बहुत एक्साइटेड हो। यस, अच्छा हम ये कर क्यों रहे हैं, हम फ्री टेस्ट क्यों कर रहे हैं, पहले दो टेस्ट फ्री क्यों है सबके लिए, ताकि हम हमारा टारगेट 100% अचीव कर सके। यस बच्चों, सुपर 60 बच्चे हमें ढूंढने हैं, जरूरी नहीं है 60 आएंगे, मैक्सिमम 60। अगर हमें लगता है 10 ही बच्चे हैं जो अच्छा कर रहे हैं तो हम उन 10 बच्चों को ही सिलेक्ट करेंगे, अगर 20 है तो 20 को ही करेंगे, लेकिन हमारा टारगेट है इनको अच्छे से मेंटरिंग करना और इनके जो गलतियां हैं, इनकी जो वीकनेसेस है, इनको स्ट्रेंथ बनाना, इनको पूरा 100% की तरफ लेके जाना, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से टेस्ट अटेम्प्ट करिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।